Hey guys, some days we just discuss about the various topics in jurisprudence like Drug and Cosmetic Act, various pharmaceutical forms, DTAB, Drug Technical Advisory Board, Drug Technical Advisory Board, DCC, Online Pharmacy. So these are the various modules we discuss in various chapters or through various videos. So guys, this time now come to how to prepare for any government exam in pharmaceutical sciences, medical sciences or paramedical sciences. So कुछ ऐसे tricks होते हैं जिनसे आप government exam बहुत easily cover कर सकते हैं. उसको cover करने के लिए क्या करना होता है आपको, कैसे पढ़ाई करनी होती है, क्या नहीं करना होता है. So guys, एक discipline manner बहुत ज़रूरी होता है. जितना आप अच्छे से डिसिप्लिन से पढ़ाई करते हैं ना, उतना आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेगा. डिसिप्लिन से पढ़ाई करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है. टाइम से उठो, एक अपना वीकेंड शेड्यूल बना लो, इतने दिन पढ़ेंगे भाई. एक एवरेज, वीकली एवरेज बनना चाहिए कि 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो किसी दिन 3 घंटे पढ़े, किसी दिन 8 घंटे पढ़े, लेकिन एक कुछ शेड्यूल होना चाहिए. डिसिप्लिन मैनर की वीकली टारगेट, वीकली टारगेट ऐसा होना चाहिए 30 घंटे पढ़ूंगा वीक में या 25 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन आपको शेड्यूल और सिलेबस टॉपिक सारे इस तरह से कवर करने होते हैं, कहीं से भी पूछा जाए आप बहुत इजीली उसको आंसर दे सकते हैं. सो गाइज, आजकल जो एग्ज़ाम्स का पैटर्न है, रिटर्न एग्ज़ाम है नहीं, MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं. सो MCQ बेस में क्या करना होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन डिजाइन करने होते हैं, बहुत अच्छे से सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि वहाँ पर रीजनिंग भी अप्लाई होता है, लॉजिक भी अप्लाई होता है, फंडामेंटल भी अप्लाई होता है और सिलेबस मैटर भी अप्लाई होता है. ये चारों मैटर मिक्स होने के बाद ही आप किसी एग्जाम को बहुत अच्छे से कवर कर पाते हैं. विदाउट दीज थिंग्स यू कैन नॉट अचीव योर गोल. सो गाइज, बी फोकस ऑन योर स्टडी. And you have any concern regarding previous study topics, you can ping me. So we can next video we start new topic, new subject. So thank you guys for your supporting and motivating. I'm just getting various comments from our comments back, that is positive and some negative. So negative is okay and positive is okay, because every step we learn, and learn is our life. Without, if you stopping your learning, then I think our life is stop. So without learning and without accepting new things, it's our life goals. So guys, thank you so much for supporting.